बाद बड़ी खबर के साथ, विपक्ष पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है। यूपी का चुनाव हिस्ट्री शीटर वर्सेस हिस्ट्री होगा और हिस्ट्री शीटर को बाहर रखने के लिए और हिस्ट्री बनाने के लिए यूपी में जन चौपाल कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अखिलेश कागजी समाजवादी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार की गति को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव को हिस्ट्री शीटर वर्सेस हिस्ट्री करार दिया है। वहीं हिस्ट्री शीटर को बाहर रखने के लिए और हिस्ट्री बनाने के लिए यूपी में जन चौपाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात बोली है, जिसमें अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है, विपक्ष पर जमकर हमला बोला है, अखिलेश को कागजी समाजवादी करारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन चौपाल में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी बड़ा हमला बोलते हुए विपक्ष पर नजर आए हैं, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते नजर आए हैं और कहा है कि उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव अब हिस्ट्री शीटर वर्सेस हिस्ट्री चुनाव होगा। हिस्ट्री शीटर को बाहर रखने के लिए और हिस्ट्री बनाने के लिए यूपी में जन चौपाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब आपको बताते